बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। अमित शाह की जगह जेपी नड्डा को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। तो कैसा रहा जेपी नड्डा का पूरा सियासी सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी के नेशनल ऑफिस में यहाँ पे खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और किस तरह से बाकायदा साउंड आ गए हैं, बाकी सामान जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, और किस तरह से यहाँ पे साउंड लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो सुबह 10 बजे चालू होगी। बीजेपी के नए बॉस होंगे जेपी नड्डा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगी ताजपोशी। पीएम सीएम सहित कई मंत्री होंगे प्रस्तावक। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को नया बॉस मिलने जा रहा है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा की ताजपोशी जहां बीजेपी के लिए नया जोश होने जा रही है, वहीं जेपी नड्डा के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी होंगी। इससे पहले पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल पिछली जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें पद पर बनाए रखा गया। चुनाव खत्म होने और अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होना केवल औपचारिकता भर ही रह गया है, बस आधिकारिक तौर पर जेपी नड्डा के नाम का ऐलान होना बाकी है। वहीं इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, यानी कि जेपी नड्डा के लिए अमित शाह की जगह को भरना और बीजेपी को उसी रंग में बनाए रखने की चुनौती होगी। काल में किया जेपी नड्डा की ताजपोशी से पहले बीजेपी कार्यालय में तैयारियां तेज हैं। वहीं जेपी नड्डा को ताज के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पद संभालते ही बड़ी चुनौती, बीजेपी के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव तैयार खड़ा है। 8 फरवरी को दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 11 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी के नए बॉस जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बीजेपी के अनुशासित, शांत, सौम्य स्वभाव के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। पार्टी के संगठन से लेकर कामकाज के दायित्व पर बारीक निगाह रखने के लिए जाने जाते हैं। जेपी नड्डा के पास सबको सुनने, सबसे तालमेल बैठाकर चलने और परिणाम देने की क्षमता है। कैसा रहा जेपी नड्डा का सियासी सफर? जेपी नड्डा छात्र राजनीति के समय एबीवीपी से जुड़े। पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। 1994 से 1998 तक विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। 1998 में उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में धूमल सरकार में वो पर्यावरण विज्ञान मंत्री बने। 2010 में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। 2012 में जेपी नड्डा को राज्यसभा का सांसद चुना गया। वो मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बने। 2019 के आम चुनाव में उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया, जहां बीजेपी ने 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। बहरहाल अमित शाह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहे। लेकिन कई बीजेपी राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार नहीं रख पाई। हाल ही में बीजेपी के हाथों से झारखंड की सत्ता भी चली गई। महाराष्ट्र में सत्ता हाथ में आने के बाद फिसल गई। हरियाणा में भी बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के प्रदर्शन में आई गिरावट की एक बड़ी वजह पूर्णकालिक अध्यक्ष की कमी को माना गया। अब जेपी नड्डा के लिए कई चुनौतियां होंगी जिनसे उन्हें पार पाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिल्ली से अमित दुबे, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो आज जेपी नड्डा की ताजपोशी होनी है और उनकी ताजपोशी में शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पहुंच चुके हैं और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी ताजपोशी में शामिल होंगे। तो आज नए बॉस बनेंगे जेपी नड्डा और इस कार्यक्रम में, इस ताजपोशी के कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कई प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े नेता आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो लगातार कल शाम से ही दिल्ली में बड़े बड़े नेता का आगमन होता जा रहा है। ताजपोशी की तैयारियां भव्य की गई है। तमाम तैयारियों के बीच सुबह नामांकन होना है, उसके बाद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे जेपी नड्डा।